वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग बॉस। तो आज मैं जो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, तो जिससे हम लोग हमारा जो गूगल ड्राइव में जो भी डॉक्यूमेंट्स भरे रहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जब जरूरत होता है उसका मतलब हम लोग यूज नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बहुत सारे गूगल ड्राइव में हमारा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस विषय में सोचा और एक मतलब एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ बनाया, आर्ट वर्क के बारे में है, लेकिन ये इन्वेंटरी आप भी बना सकते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा स्टॉक में है, कौन सा सोल्ड आउट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और अगर ये आपको डिजिटली कुछ डॉक्यूमेंट मतलब चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को सेव करना है और सिंक्रोनाइज वे में, एक हम लोग कभी कभी होता है ना कि हम लोग एवर स्ट्रगल करते तो कीप योर फाइल ऑर्गेनाइज्ड इन गूगल ड्राइव, तो फाइल को ऑर्गेनाइज्ड करना बहुत जरूरी है। देखिए इतना सारा है, फोटोग्राफी ये सब कुछ मतलब मुझे कभी कभी ढूंढना पड़ता है, उसका नाम भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको मैंने सोचा और इसका जो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, तो देखिए मैंने यहाँ पर मैं जब यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलरली वो फोल्डर खुल जाता है और लॉर्ड शिवा का जो पेंटिंग है वो कुछ भी है वो खुल जाता है, ठीक है। तो वह जस्ट प्रोडक्ट है, जब सेल होगा तो यहाँ पर सोल्ड आउट लिख दिया जाएगा, लेकिन ये तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में किया है, ये आप भी प्रोडक्ट के बारे में कर सकते हो। लेकिन आपको जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जब जरूरत होगा ना तो आप उसको सिंक्रोनाइज कर नहीं पाओगे, इधर उधर रहते हैं, तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना, इसको कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग कर सकते हैं, इसको आज विद दिस ट्रिक हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हम लोगों को चाहिए मतलब स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, खाली चाहिए हम लोगों का फोल्डर आईडी, एक फोल्डर बनाएंगे जो फोल्डर ऑटोमेटिकली फोल्डर उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसके अंदर एक आर्टवर्क वाला फोल्डर है, उस आर्टवर्क के अंदर ये है, तो ये फोल्डर हम लोग यहाँ पर अगर कुछ भी बनाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ कुछ आर्टवर्क का नाम है सनसेट, ठीक है, सनसेट मैंने लिख दिया, ठीक है, लिखने के बाद मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो फिर यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगेगा जो गूगल स्क्रिप्ट अभी फ्री है, 15 GB तक तो फ्री देता है गूगल शीट जो है, इसको यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर मेरा एक इन्वेंटरी बनाया हुआ है, जो इन्वेंटरी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो इन्वेंटरी है बनाया गया। और एक चाहिए एक्सटेंशन, यहाँ पर एक्सटेंशन में जाइएगा, यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट में, इसका जो ऐप स्क्रिप्ट है वो हम लोग को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फोल्डर आइकॉन है मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, वो हम लोग को रन करवाना है एक बार, ठीक है। रन करवाने से रिफ्रेश हो जाएगा और फोल्डर देखिए ऑटोमेटिकली फोल्डर जो है वो क्रिएटेड, सनसेट वाला फोल्डर जो नीचे देखेंगे तो सनसेट वाला फोल्डर क्रिएटेड है, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर जो सनसेट वाला फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया वो फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, तो हम देखते हैं ये सनसेट वाला फोल्डर आर्टवर्क में जाके देखिए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सनसेट वाला फोल्डर जो है ये इसमें क्रिएट हो गया, इसमें हम लोग आर्टवर्क रख सकते हैं। और इस इन्वेंटरी को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, इस जगह पे क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा सा रिफ्रेश होने दीजिए, ठीक है, इसको रिफ्रेश होने दीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसी आर्टवर्क वाले मतलब सनसेट आर्टवर्क फोल्डर में आ जाए। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप पुट कर सकते हो, कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जब ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको डिजिटली इसमें रखना है, मतलब आपको चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट तब मिले मुझे, क्लिक वन क्लिक से मिले, और इसको आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन है ना, यहाँ पर जाके आप इसको आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ, इसको रेस्ट्रिक्शन किया गया, तो आप किसी के साथ मतलब दूसरे कोई अकाउंट के साथ आप शेयर कर सकते हो, आप एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सकते हो, तो इस ट्रिक को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज करें, देखिए यहाँ पर है
यहाँ पर चाहिए आपका फोल्डर का आईडी और कुछ नहीं चाहिए, आपका जो फोल्डर का आईडी है उसको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया प्रोडक्ट नाम का, एक फोल्डर बनाया प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नाम का एक फोल्डर बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो वो है मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर कलर जो है वो चेंज कर दिया। कलर ऑर्गेनाइज में जाएंगे, यहाँ पर कलर जो है थोड़ा सा ऑरेंज टाइप ऑफ कलर दे दिया, और यहाँ पर आपका फोल्डर का आईडी रहेगा, ये जो फोल्डर आईडी है ना ये फोल्डर आईडी रहेगा। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इस स्क्रिप्ट में आइए, यहाँ पर आपका फोल्डर आईडी चाहिए जहाँ पर वो लिखा हुआ है, वो फोल्डर आईडी कोड कर दीजिए और जस्ट कॉपी दिस होल ऑफ स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट बिल्कुल आपको दे दिया जाएगा, कोई चिंता करने की कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर गूगल शीट में जाऊँगा, गूगल शीट में जाने के बाद यहाँ पर एक जो नाम दे दूंगा, फिर प्रोडक्ट नाम करके एक नाम दे दूंगा, कोई भी आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, माय पर्सनल डॉक्यूमेंट कुछ भी, ठीक है, या माय ऑफिस डॉक्यूमेंट कुछ भी, माय बिजनेस डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू, ठीक है। प्रोडक्ट्स नाम करके डॉक करके मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, वन एंड टू एंड थ्री करके, थ्री, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आपका हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी आप जो आपका इम्पोर्टेंट लगे, आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। फोर फाइव, तो मैं चाहता हूँ कि फाइव ऐसे रहे, और आपको जाना है एक्सटेंशन में, नहीं ऐप स्क्रिप्ट, फिर ऐप स्क्रिप्ट में जाना है। तो यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको ये सब उठा देना है, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर फोल्डर आईडी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए फोल्डर आईडी है, फोल्डर आईडी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर जब भी आप सेव करोगे, सेव करने के बाद रन करोगे ना, ये रन हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली ये आपका जो फोल्डर है क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पहले तो प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हैं, यहाँ पर रिव्यू करना होगा, रिव्यू करने के बाद यहाँ पर जो एक्सेस है वो एक्सेस दे देना, यहाँ पर एडवांस में जाना और यूज अनसेव बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर बाहर से हम लोग स्क्रिप्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए इसको देना पड़ता है एग्जीक्यूशन फाइल। आप भी जब करोगे तो देखिए यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो रहा है, वन टू थ्री फोर करके फोल्डर कंप्लीट क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, हम लोग यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं प्रोडक्ट करके, प्रो प्रोडक्ट्स करके, मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा कीबोर्ड है जो काम कर नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स करके मैंने रीनेम कर दिया, ठीक है। रीनेम करने के बाद और देखिएगा यहाँ पर जब जाइएगा देखिए ऑलरेडी जो है वन टू थ्री फोर फाइव करके यहाँ पर वन दिया नहीं है, टू करके हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एक जो वन जो है यहाँ पर चला गया था जो नेम टैब पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि माई डॉक्स, ठीक है, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए, जो रो टू वाला है, टू वाला है उसमें से स्टार्ट होगा वन टू थ्री फोर, इसीलिए हुआ है। तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर वहां से इसको यूज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शॉर्ट वीडियो था, ट्रिक था यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको यूज कीजिए, भेजिए कि यूज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक वहां पर डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ऑफलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, नो नीड ऑनलाइन, ऑफलाइन इसको क्लिक करेंगे तो उसी फोल्डर में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसी दो नंबर फोल्डर में हम लोग यहाँ पर अपेयर हो गए, ठीक है। तो यही था आज का टिप्स एंड ट्रिक्स,
कैसे गूगल शीट को यूज करके हम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।